आयकरदाताको आश्वस्ति नुआ टिकस व्यवस्थारे 3 लाख टंका पर्यंत कोनोसी टिकस आदाय कराजिबो नाही। चलित थर मध्य एहा अपरिवर्तित रहिछि। पूर्वरु 3-6 लाख पर्यंत आय पय आयकर 5% रहितिला। एबे एथिरे इनकम लिमिट वृद्धि करि आयकरदाताको बड आश्वस्ति देछन्ति अर्थमंत्री। 3 लाख-7 लाख पर्यंत पय आयकर 5% करा जेछि। सेहिपरि 6 लाख-9 लाख जे आय उपरे 10% टैक्स देबाको पडथिला। एबे 7-10 लाख पर्यंत आय पय आयकर 10% करा जायछि। सेपरि 9-12 लाख पर्यंत आय पय रहितला 15% आयकर स्लैब। एबे एहाकु 10-12 लाख लिमिट को वृद्धि करा जायछि। ते 12-15 लाख आय पय रहितबा 20% आयकर स्लैब एवं 15 लाख-ऊर्ध आय पय रहितबा 30% आयकर स्लैब को अपरिवर्तित रखा जायछि। The standard deduction for salaried employees is proposed to be increased from 50,000 to 75,000 rupees. Similarly, deduction on family pension for pensioners is proposed to be enhanced from 15,000 to 25,000 rupees. This will provide relief to about 4 crore salaried individuals and pensioners. 0 to 3 lakh rupees, nil. 3 to 7 lakh rupees, 5%. 7 to 10 lakh rupees, 10%. 10 to 12 lakh rupees, 15%. 12 to 15 lakh rupees, 20%. And above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. प्रत्यक्ष कर यानी इनकम टैक्स में जो नए टैक्स स्लैब की घोषणा हुई है, ये सभी अभिनंदनीय हैं, स्वागत योग्य हैं। पूरे बजट को अगर मैं कह सकता हूं, भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में बदलने के संकल्प के साथ ही, देखिए मध्यम वर्गीय परिवार में टैक्स के बारे में सबसे बड़ी छूट आज उपलब्ध हुई है। और ये लंबे वर्ष समय से ये मांग चली आ रही थी, 3 लाख तक के प्रत्यक्ष कर यानी इनकम टैक्स में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ साथ अन्य जो स्लैब भी दिए गए हैं वे काफी राहत भरे हैं। नुआ टिकस व्यवस्था रे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 टंका रो 75,000 टंका को वृद्धि करा जाई छी। एतिसत टिकस ढांचा रे मध्ये परिवर्तन करा जाई छी। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।